कैसे हैं आप लोग जनाब। और आज का व्लॉग जो है ना वो मैं इसी तरह से स्टार्ट करूंगी। मैं आ गई हूँ अपने रूम में, सारा काम ख़त्म करके, नमाज़ पढ़ के, और बस फिर जो है ना मैंने सोचा कि काम शाम तो वैसे ही करने हैं, तो ये भी एक काम है ईद के लिए ड्रेस चूज़ करना। तो मैंने कहा चले मैं वो भी कर लेती हूँ, और मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही थी कि मैं क्या करूँ। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से जो है ना मशवरा लिया जाए और आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है इस दफ़ा ईद पे, तो इस दफ़ा एम्ब्रॉयडरी तो पहनने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। और लास्ट टाइम जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि मैंने कुछ ड्रेसेस जो हैं वो मंगवाई थी, कुछ आर्टिकल्स तो मैंने दिखाई भी थी, लेकिन अगर आप लोग डिटेल्स उसकी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाजमी आप लोग वो जो मेरे साथ आप लोग कमेंट्स में शेयर कीजिए, मैं आपको उसकी डिटेल्स भी बता दूंगी और आर्टिकल नंबर भी बता दूंगी। तो इस दफ़ा तो मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है कुछ एम्ब्रॉयडर्ड बनाने का, लेकिन ये लाला की मेरे पास बहुत पुरानी शर्ट रखी हुई थी, बहुत पुराना इनका आर्टिकल है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नए वाले छोड़ो, क्योंकि तुम अक्सर नए वाले मंगवा लेती हो, वो बना लेती हो, और पुराने वाले जो है ना तुम फिर भूल जाती हो और वो फिर वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। तो ये मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये बहुत पुराना इनका लाला वालों का आर्टिकल है। और जिन जिन ने परचेस किया होगा ये लाला का जो शर्ट है, शायद उन्होंने बना के उसको पुराना करके रद्दी भी कर दिया हो, लेकिन मैंने अभी तक इसको नहीं बनाया, वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। और ये श्रिंक भी नहीं हुआ था, तो बस वैसे ही मैंने इसको जो है ना गिजमिच करके रखा हुआ था। तो अभी मैंने ये निकाला है, इसके ऊपर थोड़ी सी जो है ना इसकी फ्लैश जो वो ऑफ हो गई है, रुक जाए मैं फ्लैश ऑन करती हूँ। ये फ्लैश हो गई है ऑन, और ये इसका खूबसूरत सा प्रीटी पिंक सा बैक है। तो इसके साथ जो है ना मैं क्या करूँगी, मैचिंग वाला ट्राउज़र लूँगी, लेकिन अभी मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं इसको किस तरह बनाऊँ। और असल में मशवरा जो है ना क्या करना है, मैंने मशवरा ये करना है कि आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं इस किस्म जो है ना ट्राउज़र का कपड़ा किस कलर का लूँ, ये जो है इस कलर का, या फिर ये जो इसके ऊपर ये शॉकिंग पिंक है इस कलर का। क्योंकि बैक जो है ना वो बैक सारा ये है, और ये ग्रेश ब्राउन ग्रेश कलर का जो है ना ये सारा इसका फ्रंट है। तो आप लोगों से बस यही जो है ना मशवरा लेना था कि आप लोग मुझे बताएं कि इसके साथ मैं किस कलर का ट्राउज़र लूँ, रिप्लाई का मुझे वेट रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा मैंने ये निकाला, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी नहीं है तो इसको देख के मैं बहुत खुश हुई हूँ, लेकिन क्या पता मैं ये वाला बनाऊँ पे ना पहने, क्योंकि कुर्बानी है, जाहिर सी बात है कुर्बानी पे काम वगैरह भी करने पड़ेंगे। तो ये वाला ड्रेस जो है इसको देख के मैं बड़ा खुशी हुई। ये निशात लेलन का टू पीस है और बहुत प्यारा है, ये भी पुराना है, इतना का जो है टू पीस है। ये इसकी शर्ट है और ये इसका प्यारा सा खूबसूरत सा ट्राउज़र है, लेकिन मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि मैं इनको किस तरह से स्टिच करवाऊँगी। तो इस वजह से फिर मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ जाके शेयर करूँ कि मुझे इसको किस तरह से बनाना चाहिए। तो आप लोगों ने मुझे बताना है लाजमी। ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र का कपड़ा, और बहुत ही खूबसूरत लॉन है। मेरे पास ऑलरेडी शॉकिंग पिंक कलर का दुपट्टा रखा हुआ है जो कि इसके साथ बिल्कुल मैच है। और अगर आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा हुआ हो तो मेरे पास इस तरह का डार्क ग्रीन कलर का भी दुपट्टा है। सो मैं दोनों में से किसी के साथ जो है ना इसको पेयर करूँगी और फिर देखूँगी कि कौन सा इसके साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरे हस्बैंड को ये वाला और ये लाला वाला वो कह रहे थे बना लो। जो है ऑलरेडी वो जो मैंने आपको दिखाए हुए थे दो सूट मैंने लाकानी के सिंपल वाले घर के लिए स्टिच करवाए हैं, तो वो भी पड़े हुए हैं। तो टोटल हो के जो है ना वो चार हो जाएंगे, अभी तक मैंने उसको भी नहीं पहना हुआ, तो फिर देखेंगे। लेकिन आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही थी कि आप लोग प्लीज़ मुझे लाजमी बताएं कि मैं क्या डिज़ाइनिंग करूँ इसके ऊपर, और आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं वो भी आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। और वीडियो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, और थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने का। और मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रही थी इसलिए मैंने आप लोग का जो है ना वो किया कि चले मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।